गाइस, माय नेम इज यशवंत चिंचाने और आप देख रहे हैं लिव विद लिव चैनल। सो फ्रेंड्स, हमने पैथोलॉजिकल जो क्वेश्चन है उसकी सीरीज चालू की है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिहाइड्रेशन एंड ओवर हाइड्रेशन इस क्वेश्चन के बारे में देखने वाले हैं। ये हमको यूनिवर्सिटी एग्जाम में 5 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। सो फ्रेंड्स, हम डिहाइड्रेशन देखना शुरू करेंगे। व्हाट इज डिहाइड्रेशन? इट इज द स्टेट ऑफ प्योर डिप्रिवेशन ऑफ वाटर, वाटर लॉस होता है, लीडिंग टू द सोडियम रिटेंशन। उसके वजह से क्या होगा? सोडियम रिटेंशन चालू हो जाएगा। उस स्टेट को बोलते हैं हम हाइपर नाइट्रेमिया, वो स्टेट रहती है। लॉस ऑफ वाटर विदाउट लॉस ऑफ सोडियम, वाटर लॉस होता है बट सोडियम लॉस नहीं होता है। क्लिनिकली इन पेशेंट को बहुत प्यास लगती है, इंटेंस थर्स्ट, मेंटल कंफ्यूजन, फीवर आने लगता है, ऑलिगो यूरिया। इटियोलॉजी की अगर बात करें तो GI excretion means vomiting, diarrhea, cholera इन कंडीशन में डिहाइड्रेशन हो सकता है। देन अगर रीनल excretion की बात करते हैं तो रीनल फेल्योर, देन एक्सटेंसिव यूज ऑफ डायबिटिक्स, एंडोक्राइन डिसीज है, कुछ डायबिटीज मेलाटिस है, एडिंगसन डिसीज है, इन कंडीशन में भी हमको डिहाइड्रेशन हो सकता है। देन थर्ड इटियोलॉजिकल डिजीज, लॉस ऑफ ब्लड एंड प्लाज्मा, अगर इंजुरी है, बर्न है, अगर चाइल्ड बर्थ के टाइम पे अगर बहुत ब्लड लॉस हो गया है प्रेगनेंसी के टाइम पे, सो डिहाइड्रेशन हो सकता है। फोर्थ पॉइंट इज लॉस थ्रू द स्किन, एक्सेसिव परस्पिरेशन, हाइपरथर्मिया, टेम्परेचर बढ़ गया है बॉडी का, देन बहुत पसीना निकल रहा है, इस कंडीशन में भी हम डिहाइड्रेशन स्टेट से जा सकते हैं। देन फिफ्थ इटियोलॉजिकल एजेंट इज एक्युमुलेशन ऑफ बॉडी कैविटीज, सडन डेवलपमेंट ऑफ असाइटिस, सो एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द बॉवेल, उसको हम इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। ओके, देन मॉर्फोलॉजिक फीचर्स की अगर बात करते हैं तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में आते हैं ऑर्गन्स डार्क एंड श्रंकन हो जाते हैं डिहाइड्रेशन की वजह से, हीमोकॉन्सेंट्रेशन सीन, इंक्रीजेस द PCV, HBB इंक्रीज हो जाता है, ब्लड यूरिया, सीरम सोडियम बढ़ेगा और रीनल शटडाउन, स्टेट ऑफ शॉक डेवलप, शॉक भी हमको लग सकता है। देन अगर ओवर हाइड्रेशन की बात करते हैं तो इंक्रीजेस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड वॉल्यूम ड्यू टू प्योर H2O एक्सेस ऑफ वाटर इंटॉक्सिकेशन। मतलब ओवर हाइड्रेशन में क्या हो रहा है? वाटर बढ़ रहा है बॉडी में, और डिहाइड्रेशन में हमने देखा वाटर कम हो रहा है। इसके क्लिनिकल स्टेट की अगर बात करते हैं तो नौशिया, वोमिटिंग, हेडेक, कन्फ्यूजन, कन्वल्जन्स, कोमा एंड डेथ, ये इसके क्लिनिकल सिम्टम्स है। इटियोलॉजी की अगर इसकी बात करें तो एक्सेसिव अनमोनिटर्ड इंट्रावेस्कुलर इन्फ्यूजन, मतलब नॉर्मल सलाइन लगाई गई है, देन रिंगल लैक्टेट सोल्यूशन जो रहता है सलाइन में अगर वो लगाया गया है तो उसमें ओवर हाइड्रेशन होने के चांसेस होते हैं। देन रीनल रिटेंशन ऑफ वाटर एंड सोडियम इन कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूअर, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, सिरोसिस ऑफ लिवर, कुशिंग सिंड्रोम्स, क्रॉनिक रीनल फेल्यूअर, ये जो कंडीशन है डिसीज कंडीशन, इनमें रीनल रिटेंशन जब चालू हो जाता है तो ओवर हाइड्रेशन होने के चांसेस बढ़ते हैं। एंड इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की अगर बात करते हैं तो वेट गेन हो जाता है, रिड्यूसेस द PCV, पैक सेल वॉल्यूम कम हो जाता है, बट डिहाइड्रेशन में बढ़ रहा है हम देख रहे हैं ऊपर। ओके, और रिड्यूसेस द प्लाज्मा प्रोटीन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। सो फ्रेंड्स, दिस इज अबाउट द डिहाइड्रेशन एंड ओवर हाइड्रेशन। इफ यू लाइक दिस वीडियो, subscribe my channel, share to this video to all medical students. Thank you friends.